हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। देखिए फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पाठ्यक्रम सेशन 18-21 एंड स्पेशल परीक्षा 2021 सभी छात्रों का एक कमेंट आ रहा है कि आखिर रिजल्ट क्यों जारी नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है कि रिजल्ट जारी होने में लगातार लेट हो रहा है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि अभी तक डेढ़ मंथ बीत चुका है एग्ज़ाम को कंप्लीट हुए। चलिए हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। देखिए फ्रेंड, जब बहुत सारे छात्रों का लगातार इस पर कमेंट आया तो मैं जेपी यूनिवर्सिटी में जाकर कॉन्टेक्ट किया कि आखिर किस कारण से रिजल्ट में देरी हो रही है। वहाँ पर यही बात बताया गया कि आप देखे होंगे कि स्नातक पार्ट वन सेशन 2019-22 का जब रिजल्ट जारी हुआ था तो कितना हंगामा हुआ था, हड़बर में मामला गड़बड़ हो गया था। इसीलिए इस बार यूनिवर्सिटी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और रिजल्ट को सही तरीके से जारी करने का प्रयास कर रही है। इसलिए जो आपका रिजल्ट है, पूर्ण रूप से आपका कॉपी को चेक किया जा चुका है। अब आपका जो रिजल्ट है उसको अपडेट किया जा रहा है वेबसाइट पर। देखिए फ्रेंड, जब पूर्ण रूप से आपका वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा उसके बाद एक बार उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है जारी किया जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, जैसा कि बताया गया है कि बहुत जल्द आपका जो रिजल्ट है उसको जारी किया जाएगा। जैसे ही यह प्रोसेस कंप्लीट होता है आपका रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझते होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार 18-21 सेशन एंड स्पेशल परीक्षा 2021 का दोनों को मिलाकर के एग्ज़ाम हुआ था और बहुत सारे छात्र इसमें शामिल हुए थे। इसलिए यूनिवर्सिटी चाह रहा है कि अच्छे तरीके से रिजल्ट को जारी किया जा सके। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।